आखिर कहां पहुंचे हैं शिव ठाकरे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शिव ठाकरे एक किसी अवार्ड फंक्शन में या किसी फंक्शन में विजिट किया उन्होंने, और वो भी पुणे में। लेकिन इस बार शिव ठाकरे की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा मुरीद हो रही है। शिव ठाकरे ने डांस भी किया है वहाँ, लेकिन जिस तरीके का उनको एक फैंडम मिला है इस समय, और जिस तरीके का प्यार जनता उनको दे रही है, ये खुद में तो देखते ही बनता है। तो कहाँ पहुँचे थे और कहाँ पर ये जानकारी मिली है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। शिव ठाकरे इस समय भाई एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन चुके हैं। जब से बिग बॉस के घर से बाहर आए, एक चीज़ बहुत साफ है कि शिव ठाकरे ने भले बिग बॉस की ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन जनता के दिलों की जो ट्रॉफी है वो इस समय शिव ठाकरे के पास है। और जिस तरीके से वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने पॉजिटिवली इन चीज़ों को मतलब ले रहे हैं, चाहे वो जनता का प्यार हो या फिर मीडिया का अटेंशन हो, जिस तरीके से उनको मीडिया, जब भी वो अगर कहीं पे स्पॉट हो रहे हैं, कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, तो जिस तरीके से उनको मीडिया घेर ले रही है, फिर उसके बाद फैंस आके उनके पास आ जा रहे हैं, पिक्चर्स मांग रहे हैं, उनको पसंद किया जा रहा है इन सारी चीज़ों पर। आपको बता दें कि हाल ही में शिव ठाकरे जो है बहुत पार्टीज़ में, तो भाई हर एक पार्टी में दिखाई दिए। और लिटरली बोलते हैं ना, सिर्फ पार्टी में जाना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनना होता है। और शिव ठाकरे ये चीज़ बहुत बखूबी निभा रहे हैं, चाहे वो बिग बॉस सीजन 16 का सक्सेस पार्टी हो, चाहे फराह के घर की पार्टी हो, या फिर अब्दू की पार्टी हो, या फिर बीच में और एक पार्टी थी वो हो, और अब तो फिर चाहे वो शेखर सुमन की पार्टी हो, और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अब आगे जो पार्टी होने वाली है वो शिव ठाकरे रखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो ये सब खबरें ही हैं। लेकिन अगर शिव ठाकरे के, सिर्फ शिव ठाकरे की बात की जाए ना भाई, तो इस समय एक बोलते हैं ना, एक सुनामी ला चुके हैं ऑलरेडी, प्यार की सुनामी जो जनता उनको दे रही है। लोग बहुत हाव भाव से उनको पसंद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में शिव ठाकरे जो, देखो यूं तो इवेंट्स वगैरह में विजिट कर रहे हैं और फैंस जो है वो उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में शिव ठाकरे किसी इवेंट में गए थे जो कि पुणे में था, और ये चीज़ उन्होंने खुद अपने स्टोरी पर डाली है, और स्टोरी पर डाल के उस चीज़ को मेंशन किया है, और कहीं ना उसमें डांस भी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ऑन स्टेज है शिव ठाकरे। फिर ये आप देख लो, ये भी उसी इवेंट का है जो लाइव फंक्शन जो चल रहा था। देन इसमें जो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ऑन स्टेज जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जलवा देख लो आप, मतलब एक फैंस का बोलते हैं ना कि भाई बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये आप देख सकते हो डांस कर रहे हैं। तो अब इस समय ना भाई एक चीज़ बोल सकते हैं हम कि सुपरस्टार इन मेकिंग है शिव ठाकरे। इसी वजह से जब राज ठाकरे से मिलने गए थे और उसके बाद जब उन्होंने बाहर आकर इंटरव्यूज दिए, तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि एक छोटे गांव से आके मैं इतने बड़े बड़े सपने लेके आया था ना, एक जो बड़े पर्दे वाला सपना था वो वैसा लग रहा है कि साकार होने वाला है, क्योंकि शिव ठाकरे को हिंदी मूवीज़, मराठी मूवीज़, हिंदी सीरियल, मराठी सीरियल्स के बहुत सारे ऑफर आए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।